हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका जाखड़। और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो PSET की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम PSET के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जो PSET का एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। और देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन कैंडिडेट के माइंड में यही आता है कि PSET होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा। इन सब पे आज हम डिस्कस करेंगे। और अभी देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक्चुअल में PSET को लेकर क्या कुछ डिपार्टमेंट में चल रहा है, डिपार्टमेंट ने अभी क्या कुछ किया है रिगार्डिंग दी PSET एग्ज़ाम। क्योंकि देखिए, मैंने कल खुद ने मैंने डिपार्टमेंट में नहीं विजिट किया रिगार्डिंग दी इंफॉर्मेशन ऑफ PSET। और जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने मेरे साथ शेयर की, जो भी बात उन्होंने रिगार्डिंग PSET बताई, वो सभी इंफॉर्मेशन अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्पेशली टीचिंग कार्डर की रिगार्डिंग ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि टीचिंग कैडर की जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आती है, जितनी भी इम्पोर्टेंट वैकेंसीज आती है, उन सभी के रिगार्डिंग आप लोगों के साथ इस चैनल पे अपडेट है वो शेयर की जाती है। इवन मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल इज टीचर, ऑलरेडी टीचर है कैंडिडेट, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर योर प्रिपरेशन। क्या आपके जो भी डाउट है कि प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे आगे अपने करियर को कैरी ऑन करने के लिए हो, टीचर किस तरह से बनना है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ऐसे में ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपकी जो भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप इजीली पूछ पाओ। अब देखिए, सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि PSET इस साल होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि आप में से भी देखिए बहुत सारे कैंडिडेट इन सर की तरह कन्फ्यूज होंगे कि पता नहीं इस साल PSET होगा या नहीं होगा। इवन जब मैंने कल मैंने खुद ने जब डिपार्टमेंट विजिट किया तो मेरा भी उनसे पहला क्वेश्चन यही था कि सर प्लीज़ एक बार ये कन्फर्म कर दीजिए कि PSET इस साल होगा भी या नहीं होगा, कि कैंडिडेट प्रिपरेशन करे या ना करे। क्योंकि देखिए, मई में आपको नोटिस मिला था कि मई में आपका एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद कोई भी डिपार्टमेंट ने नोटिस नहीं डाला रिगार्डिंग दी PSET। हालांकि बहुत सारी बातें जरूर बोली गई कि जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा एग्जाम, बट ऑफिशियली कोई भी नोटिस नहीं डाला गया। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से यही क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म कर दीजिए कि इस साल PSET होगा भी या नहीं होगा। तो देखिए, उन्होंने ये बात बिल्कुल बोली है, बिल्कुल कन्फर्म किया है कि इस साल आपको PSET बिल्कुल देखने को मिलेगा, यानी कि इस साल PSET जरूर होगा। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी PSET की तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली होगी, और अगर अभी तक भी स्टार्ट नहीं की है तो आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, टारगेट आपका ये नहीं है कि आपको PSET ही क्लियर करना है, आपका टारगेट होना चाहिए अपकमिंग वैकेंसी। क्योंकि देखिए, PSET के जस्ट बाद आपको मास्टर काडर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि सिर्फ मुझे PSET क्वालिफाई करना है, आपको जॉब लेनी है, क्योंकि इसके जस्ट साथ में आपको मास्टर काडर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। और उसमें देखिए, काफ़ी अच्छे खासे लेवल का कंपटीशन होगा, काफ़ी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। तो आप उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपनी PSET की प्रिपरेशन कीजिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि जो लास्ट जो मास्टर काडर की वैकेंसी आई थी 41, हो सकता है आप में से काफ़ी कैंडिडेट को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो सकता है कुछ को ना भी हो। तो देखिए, जो मास्टर काडर की 41 वैकेंसी आई थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उसमें कुछ बस वेटिंग लिस्ट वगैरह ही बाकी है, ऑलमोस्ट रिक्रूटमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब आपको फिर से मास्टर काडर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, कह सकते हैं कि बैक टू वैकेंसी मास्टर काडर की आ चुकी है। और अगर इस साल आपका सिलेक्शन नहीं होता है मास्टर काडर में, आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हो, तो देखिए इसके बाद आपको मास्टर काडर की वैकेंसी के लिए अच्छा खासा वेट करना होगा। क्योंकि ये सब तो देखिए आपको भी पता है कि बहुत जल्दी जल्दी से वैकेंसीज नहीं देखने को मिलती है, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस साल की जो वैकेंसी है, इस साल का जो PSET है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप
इस साल एक जॉब अपने लिए सिक्योर कर पाओ। तो देखिए अब क्वेश्चन अराइज होता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि चलो ये तो कन्फर्म हो गया कि इस साल पी एस्टेट होगा। अब बात आती है कि पी एस्टेट होगा कब तक, क्योंकि डिपार्टमेंट तो कोई नोटिस वगैरह डाल ही नहीं रहा। हालांकि आपने बहुत सारी वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें आपको डायरेक्टली एक डेट बताई जा रही है कि इस डेट को आपका एग्जाम होगा, इस मंथ में आपका एग्जाम होगा, ये एग्जाम की डेट रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट की जा रही है। तो मेरा भी देखिए कल उनसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यही था कि सर चलिए आपने ये तो बता दिया कि इस साल पी एस टेट होगा, तो कम से कम हमें एक डेट भी बता दीजिए कि कब तक पी एस टेट होगा। तो देखिए उन्होंने मतलब जो इन्फॉर्मेशन बताई उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी एक पर्टिकुलर डेट बताने से बिल्कुल मना किया। इवन मैंने खुद भी उनको बताया कि सर हमने जो सुना है वो ये है कि ये डेट बताई जा रही है कि इस डेट को एग्जाम होगा, तो उन्होंने उस बात को डायरेक्टली सिरे से मना कर दिया कि हमने अभी तक इस तरह की कोई भी किसी भी तरह की जो डेट है वो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, और आगे भी जो भी डेट आपको देखने को मिलेगी वो ऑफिशियली वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगी। और जहां तक देखिए जो उन्होंने बताया कि एग्जाम की जो प्रोसेस के रिगार्डिंग, कि कम से कम हमें ये आइडिया लगे कि एग्जाम कब तक होगा, तो उन्होंने ये बात बोली है कि जो आपका एग्जाम है वो नवंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, मतलब नवंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। और देखिए जहां तक उनसे बात करने से जो मुझे अंदाजा लगा उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपका जो एग्जाम है वो नवंबर के मिड तक आपको देखने को मिलेगा, नवंबर मिड तक आपको एग्जाम देखने को मिलेगा आपका पी एस टेट का एग्जाम। तो अब आप देखिए खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि नवंबर के लिए अभी आपके पास कितना टाइम है, आपका सिलेबस कितना है, आपको किस तरह से उसे डिवाइड करके अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के अच्छे से स्टडी करनी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ पी एस टेट टारगेट नहीं करना है, आपको टारगेट करना है मास्टर कार्डर। इस साल जो वैकेंसी है आपको इसको टारगेट करके चलना है। तो नवंबर में आपका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो आगे की जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखना है। तो देखिए कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है कि इस साल आपको पी एस टेट एग्जाम देखने को मिलेगा, और पी एस टेट एग्जाम आपको देखने को मिलेगा नवंबर मंथ तक। तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। आपको जो भी आपको बता रहे हैं फिक्स डेट है, ये डेट है, इस दिन होगा, वो होगा, ये होगा, आपको इन बातों पे फोकस ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। इस साल आपको मास्टर कार्डर की अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और देखिए अब हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट ये पूछेंगे कि मैम ईटीटी की वैकेंसी बताइए। तो देखिए मैं आपको जो भी रियलिटी है, जो सच्चाई में वो बता रही हूँ आपको, अभी तक ईटीटी की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरह के कोई भी अपडेट नहीं है। बाकी होप्स हो कि जल्द से जल्द हमें ईटीटी की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग भी कोई अपडेट मिले, और जैसे ही कोई ईटीटी की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए देखिए आप जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जरूर जुड़िएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। और आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। आपका जो कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द एग्जाम होगा नहीं होगा, इन सब के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।